रान मैसेप डॉक्टर सुनीता, आज का जो टॉपिक है इस रिलेटेड स्किन पिगमेंटेशन। स्किन पिगमेंटेशन होता है आपकी स्किन के ऊपर वाइट, हल्के हल्के वाइट दाग हो जाए, या फिर स्किन जो है वो पिगमेंटेड यानी कि वहाँ पर हल्के हल्के ब्लैक मार्क्स हो जाएं, ठीक है। लेकिन ये माइल्ड फॉर्म में हो, तो मैं जो वीडियो बना रही हूँ वो माइल्ड फॉर्म के बारे में है, यानी कि होते हैं और फिर चले जाते हैं, फिर दोबारा होते हैं, फिर चले जाते हैं, और हल्के फुल्के होते हैं, बहुत ज़्यादा सीवियर नहीं होते हैं, पूरा एरिया कवर नहीं करते। अगर पूरा एरिया कवर करते हैं तो ऑब्वियसली आपको और बेसिक मेडिकेशंस की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। बट अगर आपको माइल्ड फॉर्म में होता है स्किन पिगमेंटेशन, तो आप ये जूसेस जो है ट्राई कर सकते हो 40 डेज के लिए। अलॉन्ग विद इट अपनी डाइट ठीक रखिएगा तो यू विल डेफिनेटली गेट रिजल्ट्स कि स्किन पिगमेंटेशन बहुत कम हो रही है। क्योंकि स्किन पिगमेंटेशन जब हमें इंटरनली, क्योंकि इंटरनली कोई सफरिंग चल रही होती है तो हमें बाहर जो है वो दिखाई देता है एज अ स्किन पिगमेंटेशन। हो सकता है आप गलती कर रहे हैं कि आप सनस्क्रीन ना लगा रहे हो, ठीक है। उसके अलॉन्ग विद इट ये कुछ जूसेस होते हैं, अगर आप इनको ट्राई करेंगे डेली बेसिस पे तो यू विल डेफिनेटली गेट रिजल्ट्स इन लॉन्ग टर्म, ओके। और ये मैं इनके बारे में आपको थोड़ा सा बता देती हूँ, ठीक है। कि फर्स्ट वन इज़ ऑरेंज जूस। ऑरेंज जूस जो होता है विटामिन सी होता है। आप एक्सटर्नली विटामिन सी का सीरम लगाते हैं, बट हमेशा याद रखें कि इंटरनली भी आपको उस चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है। खाली बाहर से लगाने से आप सिर्फ 50% या 40% काम करते हैं, लेकिन जब आप इंटरनली वो चीज़ लेते हैं तो आपका क्या बोलते हैं 70% वर्क हो रहा होता है विद इन बॉडी उस चीज़ का। लाइक आप सप्लीमेंट खा रहे हैं, आप मेडिसिन ले रहे हैं, तो 70-80% वो काम करते हैं। एक्सटर्नली अगर रिक्वायरमेंट होती है तो 20% ऑइंटमेंट मेडिकेशंस, मतलब एप्लीकेशन के लिए जो चीज़ें होती है वो हेल्प करती है, ठीक है। फर्स्ट इज ऑरेंज जूस, ओके। ऑरेंज जूस में विटामिन सी होता है, एस्कॉर्बिक एसिड होता है, जो कि आपकी स्किन पिगमेंटेशन को काफ़ी कम करने में हेल्प करता है। इट्स अ फाइब्रस फूड, विटामिन से रिच होता है और इजिली अवेबिलिटी होती है। आपको रोज़ का सिर्फ एक गिलास ऑरेंज जूस पीना है। जो भी जूसेस मैं बता रहा हूँ इसके अंदर ना तो सॉल्ट मिक्स होगा और ना ही शुगर मिक्स होगी, तो आप टेस्ट पे जाएंगे तो फिर स्किन छोड़ दीजिए, ठीक है। तो आपको टेस्ट के पर्पज़ से नहीं पीना है, इसको एज अ हीलिंग पर्पज़ से पीना है कि आपका इंटरनली क्लींस हो, ठीक है, बॉडी इंटरनली क्लींस हो, जिससे कि आपकी जो ये प्रॉब्लम सफरिंग हो रही है वो ना हो। अगर ये चीज़ें आपको सूट नहीं करती हैं, क्योंकि किसी को कोई चीज़ सूट नहीं करती है तो उनको पता होता है इंटरनली बॉडी में, अगर नहीं पता है तो जाके किसी डॉक्टर से बात कीजिए, वो आपको बता देंगे कि आपके लिए क्या सूट करता है क्या नहीं, ठीक है। अगर सूट नहीं करता है तो ये जूसेस मत पीजिएगा जो कि आपको हार्म पहुंचाए, ठीक है। द सेकंड इज टमाटो जूस। जब आप टमाटो जूस पीते हैं उसमें भी लाइकोपीन होता है प्लस विटामिन सी होता है, और विटामिन सी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर स्किन पिगमेंटेशन फेडनेस में, ठीक है। तो फेड करना है तो आपको टमाटो का जूस जो है वो पीना चाहिए। आप इसको सूप फॉर्म में भी पी सकते हैं, ठीक है। थर्ड होता है कैरेट जूस। आपको पता होगा जो कैरेट होती है हमारी आइज़ के लिए बहुत अच्छी होती है, हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छी है, बहुत फाइब्रस होती है, डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत अच्छा रखती है, क्लिनजिंग बहुत अच्छा करती है। इसके अंदर विटामिन बहुत ज़्यादा एनरिच्ड अमाउंट में होते हैं और ग्लोइंग स्किन के लिए कैरेट इज़ रिकमेंडेड, ठीक है। तो आपको इसका जूस बनाना है और पीना है। विंटर्स में तो बहुत ईजिली मिल जाता है, आई थिंक समर्स में भी बहुत ईजिली मिल जाता है अगर आप ढूंढेंगे तो। फिर होता है वेजिटेबल जूस। जो भी वेजिटेबल्स आपको मिलती है अगर आप उसका जूस डेली पर्पज़ पे 1 ग्लास पीते हैं, यू विल डेफिनेटली गेट रिजल्ट्स कि आपकी स्किन की फेडनेस अगर माइल्ड फॉर्म में है तो वो जाने लग जाएगी। अलॉन्ग विद इट आपको थोड़ा सा अपना स्किन का केयर करना पड़ेगा प्लस अपना खाना ठीक करना पड़ेगा। आपको ये दो जो चीज़ें बेसिक है इनको ठीक कर देंगे और इन जूसेस को लेना शुरू कर देंगे तो डेफिनेटली आपको रिजल्ट मिलने शुरू हो जाएंगे, और 40 डेज तक ये आपको करना है। फिर होता है पपाया का जूस। पपाया के अंदर भी विटामिन सी होता है, बहुत लोगों को नहीं पता, उनको यही पता है कि डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा होता है, लेकिन नहीं, पपाया जो होता है मेंसेस क्रैम्प्स के लिए प्लस आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है। तो रात को आप पपाया ले सकते हो, आप रो फॉर्म में ले सकते हो, आप जूस की फॉर्म में ले सकते हो, जैसे आपको लेना लेना, लेकिन पपाया ज़रूर कंज्यूम करना 40 डेज तक, ठीक है। फिर आता है आपका बीटरूट जूस। बीटरूट जूस में भी विटामिन सी होते हैं, विटामिन के होता है, फाइबर होता है, और आपको पता होगा ये बहुत अच्छा होता है हमारी ब्लड सर्कुलेशन के लिए। ऑरेंज जूस और बीटरूट जूस प्लस टमाटो जूस ये जो है हमारे ब्लड सर्कुलेशन के लिए बहुत अच्छे होते हैं, तो अगर आप इनको पीते हो तो स्ट्रोक के चांसेस भी बहुत कम होते हैं, ब्लड सर्कुलेशन जो है बहुत अच्छे से होता है। तो आप बीटरूट भी ले सकते हो। बीटरूट जो होता है वो बहुत अच्छा होता है आपकी स्किन के लिए और स्किन पिगमेंटेशन को कम करने के लिए। करना ही आपको 40 डेज तक है, रोज़ाना लेना है, मॉर्निंग में लीजिए। मॉर्निंग में लेना सबसे बेस्ट टाइम होता है, अगर टाइम नहीं है तो शाम को लो, लेकिन मॉर्निंग में मेरी तरफ से रिकमेंड 40 डेज तक करना है। अलॉन्ग विद इट जंक फूड नहीं खाना है, हेल्दी खाना खाना है, प्लस पानी पीना है एटलीस्ट 4-6 लीटर, एंड
आपको क्या करना है, और ये जूसेस पीने हैं, ठीक है, और कुछ नहीं करना है। रात को अपनी स्लीप पूरी लीजिए, यू विल डेफिनेटली गेट रिजल्ट्स इन 40 डेज। ओके, एंड दैट्स ऑल अबाउट स्किन पिगमेंटेशन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब गाइज। बाय, टेक केयर।